अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ मैं रेसिपी भी दूंगी, लेकिन बहुत छोटी सी है। लेकिन मेरा आज का जो है वीडियो है आप लोगों के लिए है, जो मिट्टी का बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मिट्टी के बर्तन आप खरीद के ला रहे हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल में लाना है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मिट्टी का जो बर्तन आप खरीद रहे हैं या हांडी, तो इसे आप यूज़ करने से पहले कैसे जो है इसको यूज़ करें, इसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप इसे भिगो दीजिए अच्छी तरह से, जो भी कढ़ाई पतीली हांडी जो भी आप है आपके पास उसे आप भिगो दें, जिसमें आपको खाना बनाना है, कुकिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका लिड जो था वो अलग भिगो दिया है और ये हमने अलग भिगो दिया है। देखिए तो इसे हमने भिगो दिया था 24 घंटे के लिए, पूरा एक दिन के लिए। तो कल शाम के टाइम पे हमने इसे भिगोया था और आज जो है शाम हो गई है, इसे हमने भिगोया हुआ पूरा एक दिन हो गया है। अब इसे चले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और यह खाना बनाना अच्छा भी होता है, यह हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इसमें खाना बहुत ही स्वादिष्ट यानी कि बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। खाना बहुत यमी स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। इसमें आप खाना बनाएं, मीट बनाए, कढ़ी बनाए या जो है सफेदा दाल बनाए, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर इसे स्क्रब कर लेंगे हम। तो हमने कोई जो है डिश वॉशिंग बार वगैरह से नहीं, बस ऐसे स्क्रब कर लिया और इसे सूखने के लिए रख दिया था। तो देखिए तो इसे देखने में दो दिन टाइम लगता है। अगर आप इसे धोकर काउंटर टॉप पर आप किचन में डाल देते हैं तो आपको दो दिन लग जाएगा। अगर आप धूप में रख देते हैं ऊपर तो आपका जो है 24 घंटे में सूख जाएगा, लेकिन ये मुझे सूखने में दो दिन लगे फ्रेंड्स। इसे मैंने यहीं काउंटर टॉप पर रखा हुआ था और इसे सूखने में दो दिन लग गए हैं और ये अब बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से, देखिए ये बर्तन हमारा मिट्टी का जो है वो सूख गया ही देखें। और जब तक नहीं सूखा था तो इसका जो है चमक नहीं थी, इसमें भीगा भीगा सा था ये, लेकिन अब देखिए कितना वाइट चमक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसका जो भी डिजाइन है वो, और पहले नहीं दिख रहा था। तो ये अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा, लेकिन सुखा लेने के बाद अब आपको करना ये है कि इसे आप तेल से ग्रीस करें। तो इसे तेल से ग्रीस जरूर करना है अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसकी लाइफ हो, तो इसे आप तेल से ज़रूर ग्रीस करें। तेल से ग्रीस करने से ये बर्तन आपका मजबूत पड़ता है। कुकिंग करते समय आपका ये जो बर्तन आपका लीक करने लगता है, आपको नहीं मालूम है, आप इसे पकने के लिए रख देते हैं, तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं खरीद के लाते ही, तो यही वजह है जो आपका बर्तन लीक हो जाता है, जो आपका बर्तन चिटकने लगता है, क्रैक हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो मिट्टी का बर्तन है आपका कुकिंग वाला, तो वो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें, इसे हमें अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, अंदर पूरा ऑयल लगा लेना है। तो आप चाहे ब्रश से ऑयल लगा लें, नहीं तो कॉटन अगर है तो कॉटन से लगा लें, नहीं तो कोई मतलब कि साफ कपड़ा सूती है तो आप उसको भी भिगो के तेल में उससे भी आप रगड़ दें अंदर। तो जैसे जैसे आप तेल लगाएंगे, अभी आपको देखिए दिख रहा है तेल बहुत जैसे लगा है ज़्यादा, लेकिन ये तेल भी देखिएगा अपने अंदर जो है काफ़ी सोख लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगी ये मिट्टी जो है, और इसी तरह से ये जो पानी भी जो है सोख लेता है। तो यही वजह इसे पानी में भिगोने का कि जो पहली बार में ये पानी में भिगो दिया जाए, 24 घंटा भीग जाए, तो जिससे हमारा बर्तन अच्छी तरह से मिट्टी जो है पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और वो मजबूती भी पकड़ लेती है। तो और इसे भी उसके बाद जो है सुखा लेना है, सुखा के इसको जो है तेल से आप ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह से, अंदर बाहर पूरे में आप इसे तेल से जो है तेल लगा दें। और पहली बार में इसमें क्या पकाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए अंदर तेल सूखने लगा है, ये देखिए कितना तेल था और सूखने लगा है। तो बस ये देखिए ग्रीस हो गया है और इसका लिड जो है इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे, ग्रीस कर लें इसे तो बेहतर है। तो इसे भी हम इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो मेरे पास दो हांडी हैं और दोनों को इसी तरह से हम तेल लगा कर ग्रीस कर लेंगे दोनों में ही। दोनों को हमने भिगो दिया था, एक मैंने दिखाया था आपको भिगोए हुए, लेकिन दूसरा मैंने अलग भिगो दिया था सिंक में, एक कढ़ाई के अंदर भिगो दिया था, क्योंकि ये छोटी वाली हांडी है जिसमें कि हाफ के जी आप कुछ भी बना सकते हो, आराम से बन जाएगा मटन वगैरह मीट वगैरह, हाफ के जी आप आराम से इसमें बना सकते हो, हाफ के जी से लेके 700-750 ग्राम तक के आराम से इसमें बन जाएगा। तो इसे भी हम तेल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत सुंदर होता है और खाना बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। मिट्टी के बर्तन में अगर आप बना रहे हैं इसे खाना, तो ये आपका खाना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये हम इस तरह से इसे तेल लगा लिया है। तो चलें अब हम इसमें क्या बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए जब भी आप मिट्टी का जो कुकिंग का बर्तन हांडी कढ़ाई जो भी लेकर आ रहे हैं कुकिंग के लिए, सबसे पहले उसमें फर्स्ट टाइम आप चावल बनाइए। चावल बनाना जरूरी होता है क्योंकि जो चावल का माड़ होता है वो चावल के माड़ से ही है हमारा बर्तन और मजबूती होता है और मजबूती पकड़ता है। तो यहाँ पर हम भी चावल पहले बनाएंगे दोनों बर्तन में। तो हम चावल बना रहे हैं, तो हम आज बना रहे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं बघारा व चावल कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर चावल धो के पहले डाल दिया है पानी में, अच्छी तरह से पानी डाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले हमने डाल दिए हैं और आपको फ्लेम हाई नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, यानी कि लो से मीडियम फ्लेम जो होती है उस पर आज को इसे कुक करना है। तो शुरुआत में कुछ दिन तक के आप इसे लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, फुल फ्लेम पे नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे चावल में देखिए उबाल आ गया था और चावल का जो भी माड़ होता है वो हम निकाल देते हैं, बिना माड़ निकाले चावल हमारे घर में नहीं बनता है। अब इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। तो देखिए बघारा हुआ चावल कई तरीके से बनता है, अब इसमें हम डाल देंगे घी। कई तरीके से बघारा चावल बनता है और मैं ये एक तरीका मेरा ये भी है और एक तरीका मेरा और भी है जिससे हम बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप जो भी मिट्टी का बर्तन आप यूज़ करें तो सबसे पहले उसमें चावल ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो प्लेन चावल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बघारा बनाएं, हमने बघारा बनाया है तो आप भी बनाएं। तो यहाँ पे चावल हमारा दम हो चुका है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कहीं से भी मेरी जो है ये हांडी लीक नहीं हुई है, कहीं से भी देखिए इसकी मिट्टी नहीं निकली है, कहीं से लीक नहीं हुई, क्रैक नहीं हुई है, ना ही पप्पड़ इसका निकला है। तो आप अगर मेरे मेथड से बनाएंगे जिस तरह से मैंने बताया है, आप उस तरह से अगर यूज़ करेंगे अपना मिट्टी का बर्तन जो कुकिंग वाला है, तो आपका भी बर्तन बढ़िया देखिए होगा, आपका भी बर्तन में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बस यूज़ करने का तरीका उसको आप जो है समझ जाए उसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम चावल निकाल के दिखाते हैं आपको प्लेट में। तो ये हमारा बघारा चावल है। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।